कितनी देर लगाएगी भाई, तेरी शादी थोड़ी है। मेकअप ना करती क्या? एक तो अचानक से बोल दिया तुमने, थोड़ी देर पहले बोल देते। पिन लगाओ बाकी इधर। नहा दोगे, लगती तो बढ़िया है। तो ज्यादा मक्खन ना लगाओ। ये बताओ मार्केट कब लेके जाओगे? जैकेट लेकर आनी है मुझे। नहीं जैकेट आया तो तेरे पास? वो थोड़े डाल के जाऊंगी बना ली, नहीं लेकर आऊंगी। फोटो नहीं खिंचवाऊंगी क्या? यार मनाली तो कन्फर्म कैंसिल करना पड़ेगा यार। क्यों करना पड़ेगा कैंसिल? यार वो कंपनी को ना एक बड़ा टेंडर मिला है और वो इसी महीने कंप्लीट करना, वो हो गया ना तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। किसे होगा प्रॉफिट? कंपनी को होगा। अब तुम्हें क्या मिलेगा? अरे मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो तुम्हारे अकेले के जाने से हो जाएगा प्रॉफिट? मेरे अकेले के जाने से नहीं होगा, लेकिन मालिक ने मना कर दिया छुट्टी लेने की। संडे का भी ऑफ नहीं है हमारा इस मंथ, अगले महीने चलेंगे ना। छोड़ो मुझे जाने ही नहीं गई। अरे यार कन्नू सच में इंपॉर्टेंट काम है यार, अगले महीने चल दियो ना तू यार, उधर बॉस से बात बिगड़ जाएगी। काम का मैं समझ क्यों नहीं रही है तू? बस काम से मतलब है ना अपने, बॉस से बात नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं तो बेवकूफ हूँ। अरे यार मैंने बोल दिया उधर के मैं आ जाऊंगा, पता क्या करूँ? बोल तो मुझे भी दिया था यार। कन्नू कसम से मैं खुद भी चाहता हूँ यार लेके जाना तेरे को। छोड़ो मुझे पता तुम कितना लेके जाना चाहते हो। बॉस ने एक बार बोल दिया कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो समझ आ गया। मैं जो 3 महीने से बोल रही हूँ तब समझ नहीं आया? सोचते भोगते तो भोगती रहे। सर गाड़ी बुक की थी क्या? हाँ भैया आ चल बाद में बात करेंगे। मैं नहीं जा रही, जाओ तुम, दूसरी कैब से आऊंगी मैं। यार तू बाहर खड़े हुए क्यों ड्रामा कर रही है? सॉरी सर वो थोड़ा गुस्से में। बिटिया कोई अच्छा सा गाना लगा दूं, मूड अच्छा हो जाएगा। सॉरी अंकल मेरा मन नहीं है। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, आप लोग कहीं खुशी के माहौल में जा रहे हो तो खुशी खुशी जाना चाहिए ना। कोई खुश रहने दे तभी तो कहीं खुश होकर जाए इंसान। तेरे को बहस करनी है ना करनू तो घर चल के करियो, यहाँ पे तो कर मत। क्यों करूँ घर चलकर? तुम कुछ भी करो, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्या? बोल क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ जब अगले महीने चल लियो, तू तो बात पकड़ के बैठ जाती है यार पूरी। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही तुम्हें, करो जो करना है, तुम्हारी मर्जी है। क्या मर्जी? मैं किसी को लेके घूमने जा रहा हूँ क्या? काम के लिए तो बोल रहा हूँ, तुझे ले जाने के चक्कर में कितना काम खराब होगा, कितनी सुननी पड़ेगी वहाँ पे। उधर का ही सब सुनाई देता है क्योंकि मैं तो भोक रही हूँ ना। गोद में बैठ जाओ ना अपने मालिक की जाके, उसी के घर रह लो, घर क्यों आते हो? देख फालतू की बहस तो मत कर किसी तीसरे के आगे, तू समझ रही है बहुत ज्यादा हो रहा अभी है। तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा? कशिश गई हूँ गौरव के साथ दुबई इस महीने, साक्षी के 3 ट्रिप्स लग गए, इतने बढ़िया बढ़िया, मैं ही पागल की तरह घर में बैठी रहूं। तुम झूठ बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। तुमने किया ही क्या मेरे लिए आज तक? मुझे तो पता ही था तुम नहीं लेके जाओगे मुझे। अरे ठीक है चलिए, दिमाग मत खराब कर मेरा। क्या हुआ सर? अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। नहीं अंकल हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, चलो आप। नहीं नहीं बोलो अंकल आप बोलो, अब इतनी सुन लिए ये भी सुन लो। ये जो हमारा रिश्ता होता है ना, ये कटोरे की तरह होता है और इसमें हमारे प्यार की बारिश का पानी भरता है, लेकिन गुस्से का तूफान, मान लो गुस्से का तूफान आ गया और इसने हमारा वो कटोरा पलट दिया, अब हमारा कटोरा तो पलटा ही, साथ में हमारे प्यार की बारिश का वो जो पानी था ना वो भी सारा बह गया। हम इस पलटे हुए कटोरे पर प्यार की जितनी भी बारिश हो जाए ये नहीं भरता, इसमें कोई असर ही नहीं होता। माफ करना एक फिल्मी बात कर रहा हूं कि आप दोनों को भी अपने इस पलटे हुए कटोरे को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए। अंकल प्लीज। नहीं नहीं बेटा
मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही करते थे। करते क्या थे? करते हैं क्या? एक सेकेंड, भाई साहब दो गुलाब दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया अंकल। हम पहले ही लेट हो रहे हैं, आप हमसे फिर कभी मिलो तब कर लेना प्लीज, अभी नहीं। बेटा बस दो मिनट की बात है। आप लोग ये गुलाब पकड़िए, ये ना प्लीज, ये गुलाब पकड़ो और एक दूसरे के साथ बार बार एक्सचेंज करो। बार बार माने किसी ने आप दोनों में से एक दूसरे के लिए जो भी काम किया उसे याद करो, उसे गुलाब दो और थैंक यू बोलो, बस दो मिनट के लिए। और हाँ, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि झगड़ा हो रहा था। क्या नॉनसेंस बात। थैंक यू मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए। क्या यार, थैंक यू मेरे दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाने के लिए। थैंक यू रोज सुबह उठकर मेरे लिए टिफिन बांधने के लिए। थैंक यू मैं जैसा भी खाना बनाऊं शिकायत ना करने के लिए। थैंक यू मेरे कपड़े धोने के लिए। थैंक यू जब भी मेरे सर में दर्द हो मालिश करने के लिए। थैंक यू अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊं तो तू अकेले खाना नहीं खाती है। थैंक यू मेरी वजह से अपना मनपसंद टीवी शो छोड़ने के लिए। थैंक यू मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए। थैंक यू मेरी लाइफ बनाने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सब चीजों के लिए। थैंक यू सब चीजों के लिए। चले। थैंक यू बताने के लिए अंकल। खुश रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए। अगले महीने पक्का चलूंगा मैं। पक्का चलेंगे पर। बिल्कुल पक्का। डन।